विश्वनाथ टेम्पल विच विल एंश्योर विजिबिलिटी ऑफ द टेम्पल डायरेक्टली फ्रॉम द घाट्स. दिस इज बींग डेवलप्ड इन एन एरिया ऑफ अराउंड 5 लाख स्क्वेयर फीट. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उनके साथ चल रहे हैं और सारी बातें बता भी रहे होंगे किस तरह से जो विकास का कार्य वो है वो हो रहा है. और देखिए आप भी जब ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट का कार्य पूरा हो जाएगा जब आप जाएंगे तो वाकई आपको ये महसूस होगा कि आप उस काल में पहुंच गए हैं जब काशी विश्वनाथ की जो एक भव्यता थी और उसके चारों तरफ जो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा उसको देख के आपको काफ़ी खुशी की अनुभूति होगी. और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस कार्य को काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ाया जा रहा है और पूरे इलाके की बात करें अगर इस पूरे कॉरिडोर की बात करें तो इसको 55,000 स्क्वायर मीटर में इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है और इसका भव्य स्वरूप अभी से ही अभी आप देखिएगा उसको उसकी जो अनुभूति है वो भी लोगों को होने लगी है. और गंगा नदी चूँकि हम जानते हैं कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे एक बसा शहर है तो गंगा नदी को छूते हुए जो यहाँ पे 80 घाट हैं उसमें से मणिकर्णिका घाट को मान ले लीजिए, जलासेन घाट है, ललिता घाट जैसा कि प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे, ये डुमरी घाट, ये कॉरिडोर का मुख्य द्वार होगा, मेन गेट होगा. जब आप उस मंदिर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो ये उसके मुख्य द्वार होंगे, गेट होंगे. और धीरे धीरे स्लोली जब आप अंदर की तरफ जाएंगे, मंदिर की तरफ जाएंगे तो इसकी भव्यता और भी बढ़ती चली जाएगी. और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि क्यों इसको बनाया जा रहा है, इसके पीछे मकसद ये है कि इस पूरे रास्ते में पुराने मंदिरों की जो श्रृंखला थी, जो चेन थी, वो आपको देखने को मिलेगी. अभी वो नहीं है लेकिन इसीलिए इस कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है कि जो पुरानी भव्यता थी काशी विश्वनाथ मंदिर की वो आपको देखने को मिलेगी, उस पूरी की पूरी श्रृंखला मिलेगी इस घाट से लेकर और काशी विश्वनाथ के मंदिर तक. तो ये इस पूरे श्रृंखला को सहेज कर रखा जाएगा इस पूरे कॉरिडोर के रास्ते में. और इसमें जब आप ये बन के कंप्लीट होगा तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रदक्षिणा पथ होगा और एक परिक्रमा पथ होगा. इन दोनों ही पथों को ओडिशा से और कई राज्यों से एक गुलाबी पत्थर है वो वहाँ से लाके इसको सजाने का काम, तराशने का काम चल रहा है और उससे वो पूरे की पूरी जो कॉरिडोर्स हैं उसको बनाने का कार्य इस वक्त किया जा रहा है. और कहा जा रहा है कि प्रदक्षिणा पथ जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर का वो भाग होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होगा जहाँ से भक्त श्रद्धालु सीधे बाबा के दर्शन कर सकेंगे. इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से और ध्यान से सुनिए कि प्रदक्षिणा पथ काशी विश्वनाथ मंदिर का वो हिस्सा होगा जहाँ से भक्त या फिर श्रद्धालु जो हैं वो सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे. और मकराना, कहा जा रहा है कि मकराना और उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ के गुलाबी पत्थरों को भी लाया गया है और इसको भी तराशा जा रहा है. जैसा कि हमने कहा कि इसके साथ साथ ओडिशा के भी कुछ जगहों से इसको लाने की कोशिश की गई है और इसको सबके साथ मिलकर इसका कार्य किया जा रहा है. ये कहा जा रहा है कि कुछ पत्थर जो है मुनमुन वो गुजरात से भी लाए गए हैं, राजस्थान से भी लाए गए हैं, तो तमाम इन राज्यों से खास किस्म के गुलाबी पत्थरों को लाया गया है और उसके बाद से इसका कार्य किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि मुख्य जो एंट्री गेट होगा इस मंदिर का, मुख्य प्रवेश द्वार, वो बहुत ही भव्य तरीके से उसका निर्माण किया जा रहा है और वो बहुत ही भव्य आकार लेगा वो. और यहाँ से वो सीधे जब वो इस घाट से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो सीधे उनकी आंखों के सामने जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके सीधे शिखर के दर्शन होंगे. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सीधे जब आप गंगा नदी से स्नान करके, ध्यान करके जब आप सीधे बाबा के दर्शनों के लिए जाएंगे तो आपकी नज़रें जब ऊपर उठेंगी तो सीधे आपको मंदिर के शिखर जो है उसके दर्शन हो पाएंगे. और साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि 55,000 घन फुट जो तराशे हुए लाल पत्थर हैं वो उसको लाया जा चुका है. तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है. 55,000 घन फुट तराशे हुए लाल पत्थरों को वो यहाँ पे मंदिर परिसर में लाया जा चुका है. गुजरात से, जैसा कि हमने कहा कि राजस्थान से इसको लाया गया है और नक्शा जो है उसके मुताबिक इन्हें किस तरह से किन खांचों में इसको फिट किया जाए उसका काम लगातार इस पर किया जा रहा है ताकि मंदिर का जो एक भव्य स्वरूप है वो उसे मिल सके. और जैसा कि मुनमुन आपने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ होंगे, तो इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर परिसर तो होगा ही, साथ ही साथ मंदिर चौक होगा, एक जलपान केंद्र भी होगा, गेस्ट हाउस होंगे, जो लोग वहाँ पर जाके कुछ दिन अगर रहना चाहते हैं बाबा के पास तो उनके लिए गेस्ट हाउस की सुविधा होगी, यात्री सुविधा केंद्र भी होगी, वहाँ पर आप पूछताछ कर सकते हैं, तमाम जानकारी ले सकते हैं. म्यूज़ियम होगा और म्यूज़ियम में काशी की विरासत, काशी का इतिहास क्या कुछ रहा है इसको लेके आप वहाँ पे जान सकते हैं, समझ सकते हैं उस म्यूज़ियम के ज़रिए. और आध्यात्मिक एक पुस्तक केंद्र भी होगा कि अगर आप
काशी के बारे में जानना और समझना चाहते हैं पुस्तकों के जरिए, तो वो भी आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र के जरिए आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मुमुक्षु भवन अस्पताल का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसमें जो लोग किसी तरह के उन्हें स्वास्थ्य तकलीफ होगी तो वो वहाँ पे उसका अपना इलाज भी करवा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर चौक का हिस्सा भी इसी शेप में निर्मित किया जाएगा ताकि उसे आप अच्छे तरीके से संवार सके और यहाँ से सीधे आप जो माँ गंगा है, जो नदी है, उसके भी आप दर्शन कर पाएंगे। तो लगातार ये बहुत ही, आप अखबारों में भी इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि लगातार वहाँ पे किस तरह से इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो चल रहा है। मंदिर का जो प्रदक्षिणा मार्ग होगा मुनमुन, वो उसको चुनार और ओडिशा में एक जगह है बालेश्वर, वहाँ से उन पत्थरों को लाया गया है और उसके बाद इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। इसमें बलुआ पत्थर का भी यूज़ किया जा रहा है, मकराना का मार्बल जो है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि ओडिशा के बालेश्वर से जो गुलाबी पत्थर हैं, गुजरात से वो भी लाए गए हैं, राजस्थान के कोटा से जो पत्थर लाए हैं उनमें से तीन तरह के अलग अलग तरह के ग्रेनाइट पत्थरों का भी इसमें उपयोग किया जाएगा। और इसमें इसके ज़रिए जो फ्लोरिंग है और जो सीढ़ियों का निर्माण है वो किया जाएगा इस पूरे कॉरिडोर में। और कुछ जानकारी मेरे पास और ये भी है मुनमुन की, काशी विश्वनाथ धाम के किनारे जो टीन की ऊंची दीवारें जो हैं उसके वो एक बनाया जाएगा और उसमें सुरक्षा काफ़ी उसमें इंटेंसिफाई, उसको काफ़ी भारी सुरक्षा के बीच इसमें तमाम जो इस वक्त कार्य चल रहे हैं वो किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि परिसर से लेकर गंगा घाट तक, जैसा कि हमने कहा कि जब आप जाएंगे गंगा में वहाँ पे स्नान करके ध्यान करके जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो परिसर से लेकर गंगा घाट तक कहा जा रहा है कि करीब करीब 24 इमारतें बनाई जाएंगी दोनों ही तरफ। और इसमें इन 24 इमारतों में से 19 इमारतों पर इस वक्त काम लगातार बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले साल अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने तक इस पूरे कॉरिडोर को पूरा कर लिया जाएगा। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री बोट पे सवार होकर डुमरी घाट से ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं। गंगा नदी है ये और पवित्र पावन गंगा, और इसके जरिए प्रधानमंत्री वहाँ पे क्या कुछ इस कॉरिडोर पे काम चल रहा है उसका वो मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे। और ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री ज़रूर इस बात को दोहराएंगे अपने लोगों के साथ कि कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके ताकि जो लाखों की संख्या में जो भक्त हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के भी जो हर साल यहाँ पे लोग आते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, उन्हें वो भव्यता, मंदिर की जो वही भव्यता है जो सालों हजारों सालों पहले देखने को मिलती थी, वो उसे फिर से देखने को मिले। मुनमुन, वी सॉ प्राइम मिनिस्टर वेविंग एट द पीपल। ही हैज सेट सेल इन अ बोट फ्रॉम डुमरी घाट टू ललिता घाट, फ्रॉम देयर ही विल बी मूविंग टू take the blessings of Baba Vishwanath at the Kashi Vishwanath Temple, and from there he will be reviewing the progress of work that has been done so far on the Kashi Vishwanath Corridor project. It's a project that is close to Prime Minister Narendra Modi's heart. In March 2019, to be precise, on 8th March 2019, Prime Minister had laid the foundation stone of the Kashi Vishwanath Dham project. The project aims at restoring the ancient glory of Kashi, and once this project is completed, the nearby ghats in the city will be connected with the main temple. As a part of the project, traffic movement around the main temple will be decongested, and the project is aimed at expanding and beautifying the Kashi Vishwanath temple premises. There will be visibility of the temple directly from the ghats. This is being developed in around 50,000 square meters. That comes to around 5 lakh square feet. And the Uttar Pradesh government, in fact, is working on this on a very, very focused manner, because it had formed the Sri Kashi Vishwanath Special Area Development Board to ensure the completion of the project. And like my colleague was telling us, there are a number of stones of various kinds that have been brought in from various places that will be part of this corridor project. The red sandstone has been brought from Chunar. It is being used in the construction work. The Baleshwar stones will be used on the surface and walls. The Makrana marble and Kota granite will also be used. Mandana stones, which look like red sandstone in fact of Chunar, will be used to build stairs at the ghat. So a lot of intricate detailing has gone into the conception of how the corridor project will be built. The Makrana marble will be required for the flooring of the corridor, for instance. The designing of the corridor will be done with Kota granite.
The sandstone of Chunar will be used on the stairs to be built at the ghat, and so these stones of various sorts will add to the grandeur of the corridor. And this corridor will be equipped with several facilities for devotees. There is a plan also to install a big screen television on the ghats for live streaming from the Kashi Vishwanath temple, so that the devotees may have darshan of the deity soon after taking a holy dip in the Ganga. And several workers are currently working on the central government's flagship project. The workforce is expected to only increase with time, and the Adityanath government had formed the Sri Kashi Vishwanath Special Area Development Board to ensure completion of the project. This project is going to be divided in 24 buildings at least. There will be a main complex of the temple, there will be a Moksha Bhavan, there will be a food court, there will be Yatri Suvidha Kendra 1 and 2, there will be a main platform, a virtual museum, a city gallery and a security chamber among the various buildings. बिल्कुल, तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसमें कि प्रधानमंत्री बोट पर सवार होकर वो ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं डुमरी घाट से, और वहाँ पे वो काशी विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो उसका मुआयना करेंगे, और उसके बाद किस तरह से निर्माण कार्य वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा। लगातार जो इसमें इंजीनियर्स भी लगे हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, उसे पूर्ण किया जाए, इस ओर लगातार काम कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं कि इसमें काशी विश्वनाथ धाम में जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार भी शामिल है, और साथ ही साथ जो इस वक्त मंदिर मौजूद है और उसके आसपास जो मंदिर हैं उनका किस तरह से संरक्षण किया जाए, इसकी भी लगातार पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, और लगातार इसमें हर कोई लगा हुआ है कि जो मंदिर हैं इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम परिसर में उनका जीर्णोद्धार भी हो सके, और साथ ही साथ कैसे उसका संरक्षण किया जाए, इस पर भी लगातार कार्य किया जा रहा है। और संरक्षण के कार्य में लगातार, चूंकि वहाँ का एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें वो भी अपना एक अहम रोल प्ले कर रहा है, और साथ ही साथ जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी भी टीम, इन दोनों को इस जिम्मेदारी दी गई है किस तरह से इसके जीर्णोद्धार का काम किया जाए और इसके संरक्षण का काम किया जाए। इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो जानकार हैं, जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे, जो लोग हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही साथ संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जो टीम है उनको भी जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे संरक्षण और इसके पुनर्निर्माण के कार्य को लेकर। और साथ ही साथ बाबा के दरबार के परिसर से ललिता और मणिकर्णिका घाट तक बनने वाला जो काशी विश्वनाथ धाम है, वो जब आप जाएंगे तो आपको वास्तविक रूप से एक धर्म नगरी का एहसास कराएगा। इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि जब आप 2021 में जब ये पूरा कॉरिडोर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक दर्शक के तौर पर, एक श्रद्धालु के तौर पर जब आप वहाँ पर जाएंगे, तो बाबा के दरबार के परिसर, जो पूरा परिसर है उससे ललिता घाट और जो मणिकर्णिका घाट तक है, वहाँ तक जाने में आपको एक भव्यता का एहसास होगा, और ऐसा एहसास होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपके आसपास मौजूद है, उनसे आप खुद रूबरू हो रहे हैं, उनसे आप मुखातिब हैं। ये एक कोशिश की जा रही है पूरे इस परिसर को इस तरह से इसको विकसित किया जाए, और कई जो दस्तावेज मिले हैं मुनमुन और कई साक्ष्य भी मिली हैं इस पूरे इलाके में काशी विश्वनाथ धाम में, जो प्राचीन मंदिरों के इतिहास से संबंधित जो दस्तावेज हैं उनको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल की जो टेंपल सर्वे की जो टीम है उन्होंने भी इसका पूरा अध्ययन किया है, और उसके बाद से उन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि किस तरह से इसको कैसे भव्य वो रूप दिया जाए जिसके लिए जाना जाता रहा था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दिए जा रहे हैं कि किस तरह से उस प्राचीन मंदिर के इतिहास को और उसके दस्तावेज को तैयार करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो भोपाल की टीम है, उसमें भी भोपाल की जो मंदिर सर्वे, टेम्पल सर्वे की टीम है, और ये आप भव्य घाट देखिए किस तरह से सजाया गया है वहाँ पर ललिता घाट को, और ये दिव्य वाकई मनोहारी दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ से वो सीधे जाएंगे उस पूरे कॉरिडोर का मुआयना करेंगे, प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे, जिसका कि कहा जा रहा है कि उनका, प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्यता दिलाई जाए, ताकि जो लोग लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर हर साल आते हैं वो उसको समझ सकें।
और लगातार हम कह रहे हैं कि ये मुनमुन कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। एएसआई की टीम वहां पे गई थी, भोपाल की एएसआई की टीम वहां पे, एक जो टेंपल सर्वे की टीम गई थी, और वहां पे उन्होंने ऐसे ऐसे दस्तावेज निकाले, ऐसे साक्ष्य निकाले हैं जिसके आधार पर आपको मैंने बताया कि बीएचयू के प्रोफेसर्स वहां पे लगे हुए हैं और जो संस्कृति मंत्रालय की टीम है वो पूरी टीम वहां पे लगी हुई है। किस तरह से वो भव्यता दिया जाए, किस आधार पर, तो जो वो एएसआई भोपाल की टीम जो सर्वे करके निकाली है कि कभी हजारों साल पहले वहां पे इस तरह की चीजें वहां पे हुआ करती थी। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर हमारे साथ प्रोफेसर मक्खनलाल जुड़े हों तो हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका बोट, प्रधानमंत्री जिस पर सवार हैं, वो अब ललिता घाट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, किनारों पे आप देख सकते हैं जो दर्शक हैं जो एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के वहाँ पे बेताब हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं और जानते हैं कि बनारस के जो घाट हैं उन पे उनकी छटा, उनकी उनकी विशेषता काफ़ी अद्भुत है। जो लोग वहाँ पे गए हैं, जो लोग वहाँ जाते रहे हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी। त्रिशूल पर विराजित विश्व की प्राचीनतम जीवंत नगरी काशी आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अलकनंदा काशी जो विशिष्ट क्रूज है उस पर विराजित, धीरे धीरे जो काशी विश्वनाथ धाम का प्रवेश द्वार ललिता घाट से आगे मंदिर तक जाने के लिए निर्मित हो रहा है वहां पहुंच रहे हैं। पुराणों में वर्जित है 80 वरुणयोर मध्ये, दक्षिण में 80 और उत्तर में वरुणा, इन दोनों नदियों का संगम गंगा में, उसी के बीच का क्षेत्र वाराणसी कहलाता है। वरुणासी ये नाम धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वाराणसी कहलाया। काशी या बनारस भी इसी नगरी को इसी नाम से जाना जाता है। आज उसी सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी काशी में एक अविस्मरणीय क्षण, ऐतिहासिक अवसर, भव्य क्रूज धीरे धीरे ललिता घाट की ओर बढ़ता हुआ, माँ गंगा का कल कल निर्मल बहता पावन जल। कार्तिक मास में माँ गंगा की महत्ता तो अलग ही होती है। कहा जाता है कार्तिक मास में एक महीने तक सूर्योदय से पूर्व यदि गंगा में डुबकी लगा ली जाए, गंगा स्नान कर लिया जाए, तो जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। इसलिए श्रद्धालु एक महीने तक लगातार सूर्योदय से पूर्व नित्य गंगा स्नान कर दीपदान करते हैं। आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, अविस्मरणीय अवसर है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा विश्वनाथ को भक्तों द्वारा सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए बाबा कहलाते हैं विश्वनाथ। माँ गंगे के तट पर स्थित विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी के हृदय क्षेत्र में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान भगवान विश्वेश्वर, भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रति अटूट श्रद्धा और अखंड विश्वास के साथ ही ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल एवं मोक्ष प्राप्त होता है। धीरे धीरे वो विशाल बोट, वो विशाल नौका ललिता घाट के पास आती हुई, काशीवासी अपने प्रिय माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत को उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनका ये काशी का 23वां दौरा है। काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहां आज पधार रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर अवस्थित महाश्मशान और थोड़ी ही दूर पर विराजित आनंद वन के अधिपति बाबा विश्वनाथ का देवालय, काशी के हृदय स्थल पर स्थित काशी विश्वेश्वर के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालु भागीरथी गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के पश्चात
सुगमता के साथ बाबा के दरबार में पहुंच सकें, उन्हें सरलता से दर्शन मिल सके, इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ धाम की विशाल रचना की जा रही है। ये भव्य निर्माण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे ललिता घाट, जो मणिकर्णिका घाट से जुड़ा हुआ है, जोड़ेगा। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री के उत्सुक के लिए यहां काशी की जनता, यहां उपस्थित लोग उत्सुक हैं। गंगा के उस पार भी असंख्य दीप आज प्रज्वलित होने वाले हैं। देव दीपावली का वो परम पावन अवसर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस हरिहर क्षेत्र में देव दीपावली का विशिष्ट आयोजन विश्व के लोगों के लिए एक अनूठा आयोजन होता है। धीरे धीरे वो विशाल बोट अलकनंदा काशी, जिसका नाम है, और करीब आते हुए यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन करते हुए बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में पधारेंगे। देश के यशस्वी और कर्मठ प्रधानमंत्री जी कहते हैं, संकल्प से सिद्धि होती है। जिस बात का वो संकल्प ले लेते हैं, वो संकल्प अवश्य सिद्धि की ओर जाता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम की दिव्यता और वैभव बढ़ाती सुंदरीकरण परियोजना को साकार करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके संसदीय क्षेत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए काशी की जनता उत्सुक है। काशी विश्वनाथ धाम के रूप में बाबा के भक्तों को एक अनूठा उपहार मिलने वाला है, जिसकी किसी ने परिकल्पना नहीं की होगी, स्वप्न में भी किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसा भव्य निर्माण यहां साकार होने वाला है। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां होगा। देश के माननीय यशस्वी और कर्मठ प्रधानमंत्री जी यहां श्री काशी विश्वनाथ धाम, या कह लें श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की प्रगति के अवलोकन हेतु ललिता घाट मार्ग से जो प्रवेश द्वार है उपस्थित हो चुके हैं। काशी में आगमन होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रिय उद्घोष हर हर महादेव के साथ यहां की जनता अपने अतिथि का स्वागत और अभिनंदन करती है। आज उत्सुक भक्तगण अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत को उत्सुक हैं। गंगा की निर्मल और पवित्र धारा हर किसी को आकर्षित करती है। हम सब जानते हैं
माननीय प्रधानमंत्री जी का गंगा के प्रति कितना लगाव है। गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, ये लगातार उनका प्रयास है और उसके परिणाम हम सब के सामने हैं। आज काशी में गंगा के पावन तट पर माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, हाथ हिलाते हुए काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अत्यंत प्रसन्न चित्त मुद्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो ललिता घाट पर एक जेटी निर्मित की गई है उसी पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गंगा का पावन तट, काशी के 84 घाट आज इस परम पावन अवसर पर यहां माननीय प्रधानमंत्री जी उस क्षण के साक्षी बनेंगे। बहुत ही गौरवपूर्ण अवसर है, हम काशीवासी भी निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अंकित होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे जो बालू से आकृति निर्मित की गई है, काशी विश्वनाथ धाम उस पर अंकित है, काशी के घाट मां गंगा का वो निश्चल स्वरूप और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिकृति भी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के छात्रों और पूर्व छात्रों ने मिलकर इसे निर्मित किया है। गंगा के उस तट पर भी अनेक ऐसी ही कलाकृतियां निर्मित की गई हैं और उन कलाकृतियों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि काशी के घाटों की क्या विशेषता है, उसके पीछे कौन सी कथा जुड़ी हुई है। अपने वाहन पर माननीय प्रधानमंत्री जी विराजित हो चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करना है। आपको याद होगा मंदिर क्षेत्र के सुंदरीकरण और विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही विगत 8 मार्च 2019 को संपन्न हुआ था। देव दीपावली 2020 और विश्वनाथ धाम यंकित उस बालू से निर्मित कृति पर बहुत ही अनुपम, बहुत आकर्षक निर्माण, कलाकारों की जो कला है हमें यहां विस्मित कर रही है और काशी के भव्य घाटों का वो दिव्य स्वरूप आप देख पा रहे हैं। चारों ओर प्रकाश मालिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, अनेक नौकाएं नौकाओं पर विराजित और धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए ऐसा सुगम मार्ग बना दिया गया है, इसके बारे में कभी कल्पना नहीं की होगी किसी ने भी। गंगा के घाट से हम उतरें और सीधे
मंदिर तक बड़े आराम से पहुंच जाएं। पहले बहुत सारी गलियां थीं, छोटी छोटी गलियां, अनेक सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें पहुंचना पड़ता था, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी सुगमता के साथ मंदिर की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। जगह जगह पर विशाल देव दीपावली और विश्वनाथ धाम से संबंधित आप देख पा रहे हैं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के लिए उत्सुक हमारे काशीवासी। काशी विश्वनाथ धाम में ऐसा अद्वितीय निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला आगे बढ़ते हुए। यहां उपस्थित होने वाला व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो पूर्व में यहां की स्थिति थी, आज उसका आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम की ओर पहुंचते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, उनका जो स्वप्न था आज यहां साकार होता दिखाई पड़ रहा है। पिछली यात्राओं के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर की नींव मजबूत होते हुए देखी थी, इस बार उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के भव्य आकार की स्पष्ट झलक मिलने वाली है। और स्वागत करते हुए अन्नपूर्णा मंदिर के महंत राधामोहन सिंह जी, सांसद और प्रदेश प्रभारी, प्रणाम करते हुए अपनी भावनाएं। नीलकंठ तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े लोग, काशी के विद्वानों का समूह, धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए अवलोकन करते हुए, बीते 9 माह की अवधि में कॉरिडोर में अलग अलग निर्माण के लिए खोदी गई नींवों के मजबूत अधिष्ठान पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा साकार हो चुका है। कोरोना काल चल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी नियम हैं, जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उल्लेख करते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हाथों की सफाई आप बार बार करते रहें, उसी का पालन करते हुए। और यह स्वर्ण शिखर, बाबा विश्वनाथ का वो स्वर्ण दिव्य शिखर, कहा जाता है अगर हम गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाएं तो अगर हम शिखर दर्शन भी कर लें तब भी दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे परिसर से होते हुए गर्भगृह की ओर जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके साथ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और गर्भ पवित्रो वा सर्वामस्तांगतो विभार्यस्वरे
ओ नमः शिवाय।
पूजन पूर्वक ब्राह्मणेशः अर्जन कर्मणा तेन काशी विश्वेश्वर शाम्बशदा शिव प्रियता नमः विश्वनाथ की जय। हरि हर शिव हर। बाबा विश्वनाथ का पूजन किया। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयादत्त ग्रहाण परमेश्वरी। राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि सभी प्रकार के संकट दूर हों, राष्ट्र निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो। कोरोना जैसी जो महामारी का संकट आया है, वो संकट दूर होकर यहाँ के समस्त निवासी स्वास्थ्य सुख समृद्धि और दीर्घायु हो, ये कामना एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बाबा से की। एक बार पुनः अभिवादन करते हुए बाबा के दरबार में आकर पुनः एक बार नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते हुए देश उनके नेतृत्व में निरंतर प्रगति के नए सापान
माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी मंदिर के अर्चकों ने, विद्वानों ने आशीर्वाद दिया, मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथाः, शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम उदयस्तव। शत्रुओं का विनाश हो, देश के शत्रु अनुकूल हों हमारे लिए और मित्र अधिक से अधिक हमारे लिए सहायक हों। बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की गई। बाबा विश्वनाथ का वो अनुपम दिव्य स्वर्ण शिखर दूर से ही अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को उसका अवलोकन करते हुए डमरू बजाकर बाबा विश्वनाथ का उद्घोष मंदिर के विस्तारीकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम आज यहां साकार होता दिखाई पड़ रहा है। लगभग 50,000 वर्ग मीटर में ये निर्माण अगस्त 2021 तक इस निर्माण को पूरा करने का संकल्प तेजी के साथ, निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। विश्वनाथ धाम का ये जो प्रोजेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, करीब से बारीक दृष्टि डालते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी स्तंभों पर जो उत्कीर्ण कलाकारी है उसे देखते हुए धीरे धीरे ये काशी विश्वनाथ धाम आकार लेता हुआ आज यहां एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक छोटा सा वृत्तचित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाने वाला है, जिसके माध्यम से इस काशी विश्वनाथ धाम की जो प्रगति है उसके बारे में वो जानकारी उन तक पहुंच सकेगी। काशी विश्वनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत एकाग्रचित्त होकर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तीर्थ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस आस्था की परंपरा को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया।
50,261 वर्ग मीटर विस्तृत क्षेत्रफल की इस गतिमान सौंदर्यीकरण परियोजना में कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में स्थित लगभग 63 छोटे बड़े मंदिरों, जिनमें मुख्य रूप से 5 पांडव, गंगेश्वर महादेव, मनोकामेश्वर, नीलकंठ महादेव, द्वादशलिंग तथा अन्य मंदिरों का पुनर्स्थापना एवं संरक्षण व परिसर में स्थित गोयनका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना में चिन्हित 314 भवनों के प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वासन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है, जिसका क्षेत्रफल 3,175 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मल्टीपर्पज हॉल, पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, नीलकंठ मंडप, सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना व दिव्यांगजनों की सुविधाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 28% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के कार्य में लगभग 1500 कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश के दैदिप्यमान प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और जब पिछले सालों में जब वो शिलान्यास करने पहुंचे थे, उस वक्त का दिखाया जा रहा है किस तरह से, और इस पूरे परिसर का किस तरह से इस कॉरिडोर का इसका विकास कार्य चल रहा है, उस पर एक ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं, और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से यहाँ पर स्थित है और इसका हिंदू धर्म में अगर मैं कहूँ तो एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से ही और पवित्र गंगा नदी में स्नान कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और प्रधानमंत्री का एक ये लगातार ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए, ताकि जो कोई श्रद्धालु वहाँ पर गंगा घाट पहुंचे, वहां से वो सीधे मंदिर, बाबा के मंदिर तक पहुंच सके। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप वहां से गंगा नदी से स्नान करके बाहर निकलेंगे, तो सीधे वो जो आपका मंदिर का शीर्ष शिखर है वो आपको नजर आएगा। और उस रास्ते में, जिस आपने भी तस्वीरों में देखा कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा घाट से लेकर मंदिर तक में, उन्हीं रास्तों में और उन्हीं पूरे इलाके में 55,000 स्क्वायर फुट के इलाके में इस पूरे कॉरिडोर को विकसित करने का काम लगातार जोरों पर है। और 2021 में अगस्त महीने तक इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे कार्य को कंप्लीट करने की बात की जा रही है। और लगातार चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद हैं,
और लगातार वहां के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। उनके बगल में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और वो देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे कॉरिडोर का कार्य इस वक्त चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मंदिर, अगर आप वहां पे गए होंगे, मुझे ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदुस्तान का हर वो नागरिक एक बार ज़रूर चाहता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाएं, बाबा के दर्शन करें। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस मंदिर में जाने से ही अगर आपने यहाँ पे पूजा पाठ की, एक बार बाबा के दर्शन कर लिए, तो दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये किस तरह से इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, इस पूरे आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री खुद मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से कार्य जो है वो प्रगति पर है। और ये आम आदमी तो छोड़िए, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास, सभी लोग यहाँ पे जा चुके हैं। और यहाँ पे इसकी जो महात्म्य है इस पूरे बाबा की और यहाँ के इस मंदिर परिसर की, आसपास के इलाके की, अद्भुत है, अलौकिक है। और हर कोई चाहता है कि यहाँ पे एक बार बाबा के दर्शनों के लिए वो जाएं। और ये ड्रेन प्रोजेक्ट किस तरह से, जब आप जाएं मंदिरों से वहां पे जाएं और चीजों का दर्शन करें। जो भी कार्य हो बहुत गुणवत्ता के साथ हो, निश्चित रूप से उनका यही निर्देश। अवलोकन कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कॉरिडोर यानी विश्वनाथ धाम के निर्माण की प्रगति से संतुष्ट होकर धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए काशीवासियों ने भी आज गर्व का अनुभव किया होगा। धीरे धीरे शाम ढलती हुई और यहां से देव दीपावली के शुभारंभ के लिए राजघाट की ओर, भैंसासुर घाट की ओर प्रधानमंत्री जी को प्रस्थान करना है। दीप मालिकाएं प्रकाशित हैं, विद्युत झालरें अपना प्रकाश बिखेर रही हैं और देव दीपावली के शुभारंभ के साथ ही असंख्य दीप, अनगिनत दीप प्रज्वलित हो उठेंगे गंगा के तट पर। और देव दीपावली है केवल गंगा के तट पर ही नहीं, काशी के हर मंदिर पर, हर मंदिर के द्वार पर, हर घर में, सभी कुंडों और सरोवरों पर भी भव्य रूप से आयोजित होती है। काशी विश्वनाथ के द्वार से आशीर्वाद लेकर मां गंगा के गोद की ओर प्रधानमंत्री जी का प्रस्थान, क्योंकि जल मार्ग से ही, उसी अलकनंदा काशी से ही उन्हें राजघाट की ओर प्रस्थान करना है। प्रधानमंत्री जी का वो संतुष्ट स्वरूप बहुत कुछ संदेश दे गया। मां गंगा की निर्मल धारा काशी के 84 घाटों पर रहने वाले अपने भक्तों को पवित्र करती है। काशी के उन्हीं 84 घाटों पर आज की जो छवि है, अनुपम और दिव्य छवि, निश्चित रूप से
सभी को आकर्षित कर लेती है। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक इसी उत्सव में शामिल होने के लिए प्रतिवर्ष यहां बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। इस वर्ष कोरोना की परिस्थितियों के चलते थोड़ी सी पाबंदी इस पर जरूर है, फिर भी हमारे देश के अनेक पर्यटक, काशीवासी, काशी के आसपास के लोग यहां गंगा तट पर आज के इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का काफिला धीरे धीरे ललिता घाट स्थित उस प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुका है। वहीं से उन्हें अलकनंदा पर सवार होकर राजघाट की ओर प्रस्थान करना है। कलकल करती गंगा पुण्य सलीला और पापनाशिनी है। पवित्र कार्तिक मास में पूरे मास सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान और दीप दान का विशिष्ट महत्व है। जो भी लोग पूरे मास इस नियम का पालन नहीं कर पाते, वो कार्तिक शुद्ध एकादशी से पूर्णिमा तक, जिसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है, में गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। और यदि इन 5 दिनों में भी कोई स्नान नहीं कर सका, तो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो भक्त गंगा स्नान करके पूरे कार्तिक मास में होने वाले कार्तिक स्नान का पुण्य अर्जित कर लेते हैं। मां गंगा भागीरथी तो ऐसी हैं कि 100 योजन दूर से भी यदि कोई उनका नाम मात्र स्मरण कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 100 योजन दूर से भी मां गंगा का नाम मात्र ले लिया जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वर्णन मिलता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। और आप देख पा रहे हैं असंख्य दीप टिमटिमाते हुए, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश के तारे मां गंगा की गोद में उतर आए हों। अलकनंदा एक उपहार है यहां आने वाले पर्यटकों के लिए। इस क्रूज के माध्यम से काशी में आने वाले पर्यटक गंगा के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक यात्रा कर गंगा के घाटों का अवलोकन करते हैं, आरती का आनंद लेते हैं और दिव्य अनुभूति पाते हैं। कितना आनंददायक दृश्य, कितना आकर्षक दृश्य! गंगा की लहरों पर जैसे लग रहा है सितारे उतर आए हों। धीरे धीरे यह अलकनंदा काशी जो अपने गंतव्य की ओर रवाना होने वाला है, यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी राजघाट जो मालवीय पुल के
निकट है वहां जाने वाला है। और ये आप अनुपम छवि देख रहे होंगे, ऐसा दृश्य लगता है स्वर्गलोक काशी की इस धरती पर उतर आया हो। गंगा किनारे अद्भुत अलौकिक छटा, दिव्य दृश्य, स्वर्ग में होने जैसी अनुभूति होती है। और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। यलकनंदा भागीरथी सुखदायिनी मातस्त्व जल महिमा निगमे ख्यातः नाहम जाने तव महिमानम पाहि कृपामयी मम ज्ञानम। जिस पवित्र गंगा की बात हम इस वक्त कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से निकलकर प्रधानमंत्री अब देव दीपावली इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हीं माँ गंगा के पवित्र पावनी माँ गंगा के जरिए वो वहां तक पहुंचते हुए राजघाट वहां वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही लम्हों के बाद। और वहां पे एक भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज ही के दिन, आज का दिन सनातन धर्म में काफी विशेष महत्व रखता है। इन तस्वीरों को देखिए कितनी मनोहर छटा ये यहाँ से दिखाई दे रही है। और कहा जाता है कि आज के दिन देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर दीप दान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और इसलिए आज के इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। देव दीपावली का यह पर्व दीपावली के 15 दिनों के बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्म नगरी काशी में मौजूद हैं तो इसलिए भी काशी में इस दिन गंगा स्नान किया जाता है, पूजन हवन और दीप दान का कार्यक्रम भी यहां पे लोग करते हैं। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पूरी काशी को रोशनी से सजाया गया है, खासकर घाटों को दीप प्रज्वलित कर जगमगाया गया है। हर साल ये देखिए, हर साल इन्हीं मनोरम अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए देश विदेश के लोग काशी आते हैं, यहां पहुंचते हैं। और इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक सवाल, एक जिज्ञासा आपके मन में जरूर हो रहा होगा कि आखिर काशी में ही क्यों ये देव दीपावली मनाई जाती है। ये देखिए लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मान्यताएं हैं कि खुद देवता आज स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में उतरकर दीप दान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं देव दीपावली के पीछे, जिनमें से एक कथा है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके
देवताओं को स्वर्ग वापस लौटाया था और उसके बाद तारकासुर के वध के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से इसका बदला लेने का प्रण किया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और सभी ने एक एक वरदान मांगा। वरदान में उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ये तीनों नगर अभिजित नक्षत्र में, ये एक नक्षत्र है और उसमें भी अभिजित नक्षत्र जब हो उसमें एक साथ आ जाएं, तब असंभव रथ असंभव बाण से बिना क्रोध किए हुए कोई व्यक्ति ही उनका वध कर पाएगा। और इस वरदान को पाए त्रिपुरासुर अमर समझकर आतंक मचाने लगे और अत्याचार करने लगे और उन्होंने देवताओं को भी स्वर्ग से वापस निकाल दिया। इस पूरी घटना से परेशान होकर जो स्वर्गलोक में देवता विराजमान थे वो भगवान शिव के शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने काशी में पहुंचकर सूर्य और चंद्र का रथ बनाकर अभिजित नक्षत्र में उनका वध किया और इसी खुशी में देवता काशी में पहुंचकर दीपदान किए तमाम देवताओं ने और इसलिए आज के दिन देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। Festival of light, life and hope, which seems to tell us, Jalate chalo ye diye sneh bhar bhar, kabhi to dhara ka andhera mitega, rahega dhara par diya ek bhi yadi, kabhi to nisha ka savera milega. Well, Varanasi is all set for a grand spectacle on Dev Deepavali. Greetings on Dev Deepavali and Guru Nanak Dev Ji Jayanti. What a picturesque sight to behold as we see the Malviya Bridge named after Pandit Madan Mohan Malviya and on the banks of River Ganga decorated Rajghat. Right in the center we see the model of Shri Kashi Vishwanath Temple which is situated on the banks of River Ganga. Namami Gange, may the goodness in you renew us. You nourish us like a mother. Your dancing fragrant waters are a delightful sight to behold. You flow, creating beauty on earth. Dev Deepavali has always been a major attraction not only for the people of Banaras, India, but the entire world aspires to have this visual delight. And this year it's going to be even more spectacular for us as we are fortunate to have the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, with us, who would be lighting the first lamp by way of inaugurating the event today. वाराणसी की देव दीपावली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये देव दीपावली काशी के वासियों द्वारा एक विश्व प्रसिद्ध महोत्सव के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है और आज विशिष्ट इस मायने में भी है कि काशी से प्रतिनिधि, काशी से सांसद, देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी की देव दीपावली में शामिल होने के लिए राजघाट पहुँच रहे हैं। ये नज़ारा देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण किया, अपने संसदीय क्षेत्र को समर्पित किया और काशी विश्वनाथ में पूजन वंदन के बाद अब वो चल चुके हैं राजघाट पर, जहां वो प्रथम दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली का आगाज करेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी arriving towards Rajghat on the cruise, where he will light the first diya that will illuminate the banks of River Ganga. He will also be launching a web portal, Pavan Path Varanasi.
बेहद खूबसूरत नज़ारा है घाटों का। आप देख सकते हैं कैसे अनगिनत दिए इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं और घाटों पे सुसज्जित इन दियों, इस रोशनी की परछाई जब गंगा की तरंगों पर पड़ रही हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं जो रोशनी और जल, नदी और घाटों पर खड़े ये विशाल भव्य जो इमारतें हैं आपस में एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हों। गालिब ने यूं ही नहीं कहा था बनारस के बारे में कि ताला बनारस चश्मे बदूर। सचमुच ऐसा लगता है जैसे पूरी रोशनी में नहाया हुआ ये शहर। अर्धचंद्राकार गंगा यहाँ बहती है केवल इसलिए कि भगवान विश्वनाथ के चरण को पखाड़ सके। गोमुख से निकलने के बाद माँ गंगा का चरण पखाड़ने के लिए